हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा यादव। वेलकम टू रेखा किचन। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके फैमिली में सब अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन वाली भिंडी की सब्जी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। तो शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। गैस ऑन कर लिया है तो इसमें हम ऑयल डाल देंगे 3 टेबल स्पून। तो ये ऑयल हमारा अच्छा गर्म हो गया है। और अभी इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून राई और 1 टीस्पून जीरा, और इसमें हम डालेंगे हींग 1 चुटकी, और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये राई और जीरा अच्छे से फूट गया है। और इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता 6 से 7 और हरी मिर्च 2 से 3, और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा हर एक चीज़ डाल सकते हैं, मिर्ची है और कड़ी पत्ता वगैरह। और ये मैंने लिया है 2 प्याज, बारीक काट लिया है मैंने, और इसमें हम डाल के अच्छे से भून लेंगे। तो इसे मैं थोड़ा सा पका लेती हूँ। तो ये हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो गया है और अच्छे से भून गया है। तो अभी इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बेसन, और इसे हम डाल के अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से हम चलाएंगे, और बेसन है जो उसका कच्चापन दूर हो जाए। और गैस को हम कम रखेंगे, मीडियम। तो मैं पका लेती हूँ। तो ये हमारा बेसन अच्छे से भून गया है। और अभी इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, सूखे मसाले। और इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून, और इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर, मैंने तीखा वाला लिया है, 1/2 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर डालेंगे। और इसमें डालेंगे हम सब्जी मसाला, मैंने 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। और 1/4 टीस्पून हम जीरा पाउडर डालेंगे। और मसाले को अच्छे से हम मिला लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। और इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम भिंडी, मैंने अच्छे से धो के और सुखा लिया था इसका पानी, और पोंछ लिया था साफ कपड़े से, और मैंने पतला पतला लंबा लंबा काटा है। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो मैं मिक्स कर ली, मैंने अच्छे से भिंडी को मिक्स कर लिया है। और इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे नमक डाल के। तो ये मैंने अच्छे से नमक को मिक्स कर लिया है। और अभी हम गैस को एकदम कम रख के ढक के इसे पका लेंगे भिंडी के पकने तक। हम ढक्कन हटा के देख लेते हैं, ये हमारी सब्जी अच्छे से पक गई है। तो सर्व कर लेती हूँ मैं इसे।